जय श्री श्याम, वेलकम बैक टू माय चैनल हनीबी व्लॉग्स। तो आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था जिसमें हमने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे हमारे मंदिर में जो कार्यक्रम हुआ था वो दिखाया था, और रात को मंदिर में जो दीपावली मनाई गई थी वो दिखाया था। तो ये लेके आई हूँ व्लॉग में उसी का सेकेंड पार्ट है, जब हमने हमारे घर पर दिया पूजन किया, दीपक जलाए, दिवाली मनाई, उसका व्लॉग। हमने सेम दिवाली जैसा ही किया था, वैसे ही दिया पूजन किया हमने, वही दाल चावल जो हमारे दीपावली पर बनते उस दिन वही हमने दाल चावल बनाए, तो वैसा ही हमने किया था। और ये कर रहे हैं, दिया पूजन हो रहा है, सब धोक देंगे दिया, मतलब दिया का पूजा करेंगे, उसके बाद हम पूरे घर में दिए सजाएंगे। और जैसे ही घर का स्टोर रूम खुलता है ना, वैदिक के लिए जैसे कोई खजाना खुल जाता है। जब भी स्टोर रूम खुलता है वैदिक अंदर जाता है और वहाँ से कुछ ना कुछ उठा के ले आता है, इसके लिए एकदम खजाने जैसा। और ये देखो उठा के ले आया पानी का बॉटल, पता नहीं इसको स्टोर रूम इतना क्यों ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें सामान बहुत ज़्यादा रखा होता है, उसको कुछ ना कुछ अपने हिसाब से मिल ही जाता है। खैर, उसके बाद हम लोग गए थे छत पर दिए लगाने के लिए, हमने एकदम दिवाली जैसा ही सेलिब्रेट किया था और सब कुछ एकदम दिवाली जैसा ही हमने मनाया। और आप सबको एक और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। हमारे आसपास में पड़ोसी लोगों ने, सब लोगों ने छतों पे दिए लगाए थे, सब लोगों ने अपने छत पे दिए सजाए थे, लाइटिंग कर रखी थी, ऐसा लग रहा था बस हाँ एकदम दिवाली जैसा। लोगों ने पटाखे पटाखे भी बहुत फोड़े। उसके बाद खाना पीना करके हम लोग चले गए थे शिव दरबार में, शिवालय में। वहाँ हो रही है आरती, महा आरती हमेशा श्रावण के महीने में होती है, बाकी भी नॉर्मल आरती होती है, लेकिन आज के दिन स्पेशल आरती रखी गई थी। और भोले बाबा को भी बहुत सुंदर सजाया गया था, तो आप भी दर्शन करिएगा और हम भी दर्शन करते हैं और आरती का आनंद लेते हैं। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। जय श्री श्याम।